वंदे अहम श्रीगुरुः श्युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादाद् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अनर्पित चरीम चिरात करुणाय वतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरट सुंदर द्युति कदंब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः यानी शचीनंदन अर्थात श्री गौरहरि निमाई पंडित श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र भगवान श्री चैतन्य बहुत ही करुणा करके कलिहत जीवों के लिए अनर्पित चरी अवदान लेकर के आए ऐसा अवदान
जो उन्होंने कभी किसी भगवत स्वरूप में किसी को नहीं दिया। ऐसे शचिनंदन सदा मेरे हृदय कंदर कंदरा में, हृदय रूपी कंदरा में, हृदय रूपी गहन गुफा में स्फुरित हों। तो इसी हफ्ते में श्री गौर हरि का आविर्भाव दिवस है, उसी शुभ अवसर पर हम लोग कुछ एक हफ्ते श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उद्देश्य पर चर्चा करने के लिए विशेष कार्यक्रम करेंगे प्रत्येक रविवार। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत से ये चर्चा करेंगे कि अभी कुछ ही समय पहले तो, यानी तकरीबन 5,500 वर्ष पूर्व ही तो स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए, युगावतार नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिनके अंदर समस्त भगवत स्वरूप निहित है, वो भगवान कृष्ण, जिनके अंदर समस्त शक्तियां निहित, समस्त शक्तियों को लेकर के स्वयं प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट हुए और उसके आगामी कलयुग में ही फिर से क्यों प्रकट हुए? ऐसी क्या बात हो गई कि अभी तो प्रकट हुए और 500 साल के अंदर फिर से कली की प्रथम संध्या में ही प्रकट हो गए, अभी तो कली की संध्या भी नहीं आई तभी प्रकट हो गए, ऐसी क्या बात थी? ऐसा क्या रह गया कि जिसे वो पूरा कर ना पाए कृष्ण अवतार रूप में और महाप्रभु के रूप में आ गए? राधा रानी का महाभाव और उनकी अंग कांति को लेकर के राधा कृष्ण जो एक आत्मा है और दुई देह धरी, अनन्य विले से रस आस्वादन करी, ऐसे राधा कृष्ण जो कि एक आत्मा है, दो देह धारण करते हैं और अनेकानेक लीलाओं का आस्वादन करते हैं, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो दो से फिर से एक हो गए और ऐसे एक हुए कि वो राधा कृष्ण से भी मधुराती मधुर स्वरूप में प्रकट हो गए, जिसे देख करके विशाखा सखी जो कि राय रामानंद हैं, उनके उस एक स्वरूप को देखकर मूर्छित हो गए। तो आए क्यों, आवश्यकता क्या थी? तो हम कुछ एक कार्यक्रमों में श्रीमन महाप्रभु के आने के प्रयोजन के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, उनके अनुसार श्रीमन महाप्रभु के आने का क्या कारण था? श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की, साक्षात कस्तूरी मंजरी हैं, निकुंज के परिकर हैं, राधा रानी की अति प्रिय मंजरी हैं और महाप्रभु के नित्य परिकर हैं। ठीक, तो इन्होंने जो कुछ लिखा किसको आधार बना के लिखा? क्या आप कोई कल्पना तो नहीं लिख दी? कोई कल्पना की बात तो नहीं है इतनी घटनाएं जो लिखी? तो बोलते हैं, रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के साथ 16 वर्ष तक रहे और चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग सेवाओं को पाया और जो श्री चैतन्य महाप्रभु के महा अंतरंग पार्षद थे श्री स्वरूप दामोदर, जो श्री ललिता सखी के अवतार हैं, महाप्रभु ने उनके सुपुर्द कर दिया था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। तो भक्ति सिद्धांत, भक्ति रस, विरक्ति, ये सब कुछ महाप्रभु के सानिध्य में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्राप्त किया। तो महाप्रभु की जितनी समस्त अंतरंग लीलाएं हैं, क्योंकि श्री वृंदावन दास ठाकुर ने
श्री चैतन्य भागवत में श्रीमन महाप्रभु के बचपन की लीलाएं, उनके युवावस्था की लीला, जबकि वो प्रखर विद्वान थे, पंडित थे, शास्त्रों के अनेक अनेक तर्क कुतर्क शास्त्रों में लोग उनसे करते थे, सबको हरा देते थे। केशव काश्मीरी, जिसको सरस्वती जी सिद्ध थी, उनको निमाई पंडित ने हरा दिया, छोटे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खेल खेल में हरा दिया। और सरस्वती जी ने बताया, जब केशव काश्मीरी जी बोले कि अब आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं, आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं कहीं नहीं हार सकता, और मैं यहाँ हार गया इस बच्चे से, और वो भी सब जगह से आपने मुझे सर्टिफिकेट दिलवा दिया कि मैं दिग्विजयी पंडित हूँ, सब कुछ मैंने विजय किया है, मुझसे कोई जीत नहीं सकता, और आपने, हे मैया, मुझसे क्या अपराध हो गया कि आपने मुझे एक एक छोटे से लड़के से हरा दिया। मेरी उम्र देखिए और उसकी देखिए, 16 साल का भी नहीं वो लड़का। तो सरस्वती जी ने कहा, देखो तुम जिससे हारे हो उसके दर्शन को पाना ही समस्त विद्याओं की का फल है। तुम्हारा उससे संवाद हुआ, तुमने उसके दर्शन पाए, ये वो हैं जिनकी मैं दासी हूं, ये जगत पिता हैं, ये विश्वंभर हैं। माता का कर्तव्य होता है पुत्र को पिता से मिलवाना, माता के रूप में मेरा ये कर्तव्य आज मैंने पूर्ण किया, मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा दिया। जैसे ही ये बात जानी केशव काश्मीरी जी ने, तुरंत भागे और महाप्रभु के चरण में लोटपोट हो गए, महाप्रभु के अंतरंग परिकर बन गए। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु बचपन में खेलकूद, फिर उसके बाद निमाई पंडित, और उसके बाद भक्ति का प्राकट्य करना, है ना, और ये जो समस्त जो लीलाएं हैं ये सब जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज रूप जी, जिनको महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ, रूप गोस्वामी जी जो सबसे अंतरंग परिकर हैं राधा रानी के, श्री रूप मंजरी, समस्त गौड़ीय वैष्णव को रूपानुग कहा जाता है, क्योंकि जब भी वो सिद्ध देह प्राप्त करेंगे भजन करके, एकादश भावों का चिंतन करके मंजरी देह की प्राप्ति होगी, तो उनकी गुरु मंजरी उन्हें रूप जी के ही हाथ में देगी, और रूप मंजरी ही उन्हें राधा श्याम सुंदर से मिलाएंगी, उन्हीं का अनुगत्य है यहाँ पर रूपानुग। तो वो रूप गोस्वामी के रूप में यहाँ प्रकट हुए, भक्ति, कौन सी भक्ति, ब्रज भक्ति, भक्ति तो सब जगह है, शांत रस की भक्ति भी है, वैकुंठ अधिपति नारायण की भक्ति भी है, श्री राम की भक्ति भी है, ये तो ब्रज भक्ति। कैसी ब्रज भक्ति, जो ऐश्वर्य संभ्रम संज्ञा जो ज्ञान है उससे रहित है, जो माधुर्य से परिपूर्ण है, जहाँ कृष्ण को कोई भगवान करके नहीं जानता, मोर सखा मोर पति मोर पुत्र ये मेरा है, जिसके जो भक्ति कृष्ण में ममता भाव आरोपित कर देती है, जो भक्ति कृष्ण में मदीयता भाव प्रकट कर देती है, जिस भक्ति के वश में श्री कृष्ण है, वो है ब्रज भक्ति, ब्रज प्रेम। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री राधा कुंड में बैठकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी से समस्त तत्व सुने, निताई चांद की उन पर असीम कृपा थी, रघुनाथ दास गोस्वामी पर भी कृपा थी, तभी गौरचंद्र मिले, और कृपा थी कृष्णदास कविराज जी पर कि तुम जाकर के महाप्रभु के प्रकट होने का जो निगूढ़ कारण है उस कारण को वर्णित करो, जो कि श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय नहीं किए। उन्होंने उनका बचपन, उनका विद्या अध्ययन, और जब महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लेकर के आ गए, और उसके बाद उन्होंने भगवत रस प्रकट किया और प्रकट किया हरि नाम, और ये सब
अच्छी तरह से विवरण किया हुआ है ना, नवदीप की समस्त लीलाओं को। लेकिन नीलाचल में जो श्रीमन महाप्रभु ने विप्लम्ब रस का आस्वादन किया, जिसके लिए वो आए थे, जो उन्होंने विरह भाव, कैसा विरह भाव, वो विरह भाव जो राधा रानी को श्याम सुंदर के मथुरा जाने के बाद हुआ, और जिसका आस्वादन मिलन के आनंद से कोटि 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 गुना अधिक है, जिसको आस्वादन के लिए प्रलुब्ध हो गए श्री कृष्ण, उस आस्वादन को जिस प्रकार से उन्होंने पाया और अपनी तीन वांछाओं को पूर्ण किया, और श्री राधा रानी जो कि कृष्ण की परम आराधिका हैं, अन्य आराधितो नूनम, भागवत में बोला श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कि जिसने सबसे ज्यादा आराधना की, जो सबसे बड़ी आराधिका हैं, जो सबसे बड़ी भक्त हैं श्याम सुंदर की, तो उनके प्रेम की सीमा कहाँ तक है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि भक्त हैं, हमें प्रेम करना चाहिए, तो प्रेम है क्या? वो प्रेम तत्व क्या है? क्या वो साधारण नायक नायिका हैं? ये कौन सा प्रेम है जो विवल कर देता है श्याम सुंदर को? तो इन सब पर प्रकाश डालने के लिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत की समस्त निताई चांद, मदन गोपाल जी और समस्त जो हमारे प्यारे गोस्वामी गण थे, उनके विनती पर की, जबकि उनकी उम्र 90 प्लस थी, 90 प्लस। कृष्णदास कविराज जी जब उनको आदेश प्राप्त हुआ कि तुम वृंदावन में जाओ, रूप सनातन का संग करो, रघुनाथ जी का संग करो, और श्री चैतन्य चरितामृत की उन लीलाओं को लिखो समस्त वैष्णवों के लिए, जो लीलाएं अभी प्रकट नहीं हैं और जिसके लिए ही महाप्रभु आए थे अपना आस्वादन करने के लिए, युग धर्म जो नाम संकीर्तन है वो भी किया उन्होंने आनुषंगिक रूप से, लेकिन असल पर्पस यही था, तो उसको हाईलाइट करो, ठीक। लेकिन वो इतने घबरा गए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, इतने घबरा गए कि महाराज मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं, मैं कलम ही कैसे पकड़ूंगा, और लीला कोई छोटी मोटी लीला नहीं है, बड़ी गहन लीला है, फिर वृंदावन की यात्रा, फिर वहां पर बैठो, सुनो और सोचो और उसे लिखो, और उन्हें ही क्यों चुना, यही तो महाप्रभु ने किया है। ब्रज रस को प्रकट किया है, ब्रज भक्ति को प्रकट किया है, समस्त भक्ति सिद्धांत को प्रकट किया है अपनी इन अष्ट मंजरियों के द्वारा ही, किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं बुलाया है। गौर करिए इस बात में, रूप गोस्वामी हो जिन्होंने भक्ति रस सिद्धांत लिखे, भक्ति रस अमृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्ज्वल नीलमणि, अनेक अनेक, सनातन गोस्वामी पाद हूँ जिन्होंने वैष्णवों के आचरण के सिद्धांत लिखे, जीव गोस्वामी पाद हूँ जिन्होंने इन समस्त जो गोस्वामी गण हैं उनकी टीकाओं को और सुंदर तरीके से हाईलाइट किया सबके लिए, षट संदर्भ लिखे उन्होंने, अगर किसी को कृष्ण तत्व समझ नहीं आता तो कृष्ण संदर्भ पढ़ लो मेरा, जीव गोस्वामी जी का, किसी को नहीं पता कि श्रीमद् भागवतम में कहा क्या गया है तो भागवत संदर्भ पढ़ लो, किसी को नहीं पता कि भक्ति क्या चीज है तो भक्ति संदर्भ पढ़ लो, और प्रेम ही जो प्रयोजन है जिसके ऊपर महाप्रभु ने विशेष जोर दिया तो प्रेम संदर्भ, प्रीति संदर्भ पढ़ लो। तत्व नहीं पता जी, मुझे तो ब्रह्म नहीं पता, मुझे नहीं पता ब्रह्म क्या है, मुझे नहीं पता परमात्मा क्या है, अच्छा ब्रह्म परमात्मा और भगवान में क्या भेद है, तुम क्या हो, तत्व संदर्भ पढ़ लो। तो इस तरह षट संदर्भों की रचना की श्री जीव गोस्वामी जी ने, और समस्त जो गोस्वामी गण के ग्रंथों को गौड़ देश में भेज करके और प्रचार किया ब्रज भक्ति का, तो बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने जो कहा वो सब कपोल कल्पना नहीं है, इनका वेदों से प्रमाण है, भागवत श्रीमद् भागवतम से प्रमाण है, जिस प्रमाण को श्रीमन महाप्रभु ने सर्वोच्च माना
वो है श्रीमद् भागवतम का प्रमाण। उन्होंने अपने समस्त आचार्यों को कहा कि तुम लोग जो कुछ कहोगे लिखोगे बिना प्रमाण के कभी मत लिखना। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति को समझना और कृष्ण को समझना और राधा तत्व को समझना और इनकी लीलाओं को आत्मसात करना, ये तभी हो पाएगा जब हम श्रीमन महाप्रभु को समझ पाए श्री गुरु और गौर कृपा से, क्योंकि उनकी लीलाओं में ही दस दस धार बह रही है कृष्ण लीला की, दस दस धार, एक धार नहीं दस दस धार बह रही है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो श्रीमन महाप्रभु जो कि हम अपने कार्यक्रमों में भी बताते आए हैं कि स्वयं भगवान हैं, है ना, पिछले साल से, दो साल पहले पूरा 4-5-6 प्रोग्राम दिए थे और वेदों से चर्चा की गई थी, अथर्व वेद से, साम वेद से, यमल पुराण से और ब्रह्मांड पुराण से, गरुड़ पुराण से, वायु पुराण से, अग्नि पुराण से, अनेक जगह पर श्रीमन महाप्रभु के भगवान होने के साक्ष्य हैं। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के प्रयोजन पर चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से। तो कह रहे हैं यहाँ पर श्रीपाद कविराज जी कि पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोके ब्रजेर सह नित्य विहार ब्रह्मार एक दिने तीहों एक बार अवतीर्ण होया करेन प्रकट विहार सत्य त्रेता द्वापर कली चार युग जानी से चार जुगे दिव्य एक युग मानी 71 एक चतुर जुगे एक मनवंतर 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। समझ आई बात? देखिए हम लोग हैं सनातन धर्मी, हमारे धर्म का कोई शुरुआत नहीं है, इटर्नल है। हमारे यहाँ के युग को ये नहीं कहते, हम लोग नहीं कहते कि कृष्ण से पूर्व या कृष्ण के बाद या फलाफला से पूर्व या फलाफला के बाद। हमारे यहाँ तो ये है कि हाँ जी अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग, कितने साल का, 4,32,000 का। उससे पहले क्या था जी, द्वापर था, उसके भी डबल का था। उससे पहले क्या था जी, त्रेता आया जी, उससे भी डबल था। उससे पहले क्या आया, सतयुग था, उससे भी डबल था। और ये जो चार युग हैं, जब चारों युग 71 बार हो जाते हैं, चार युग को कहते हैं एक युग, चार युग को कहते हैं एक दिव्य युग, एक दिव्य युग। और ये चतुर्युग जब 71 बार हो जाते हैं तो उसे एक मनवंतर कहते हैं, प्रत्येक मनवंतर में भी भगवान आते हैं। और इस समय चल रहा है हमारा कौन सा मनवंतर, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में, है ना, जब 14 मनवंतर हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है, अभी 7वां चल रहा है। तो 7वें मनवंतर तक बोल रहे हैं कि 27 बार चतुर्युग चले गए, 28वां चतुर्युग द्वापर के शेष में लग गया, 28वां चतुर्युग है अब। तो इस जो 28वें चतुर्युग में क्या हुआ, 28वें चतुर्युग में यानी कि द्वापर में शेष में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बताया कि ब्रह्मा के एक दिन में मात्र एक बार स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, जिनके अंदर समस्त भगवत अवतार होते हैं, विष्णु जी उन्हीं के अंदर, नारायण जी उन्हीं के अंदर, श्री राम जी उन्हीं के अंदर, है ना। इसीलिए तो उन्होंने जो है हनुमान जी को दिखाया कि देखो द्वारिका में मैं राम हूँ, आ जाओ तुम कहाँ पर हो। गरुड़ जी बुलाने गए, बोला कि अच्छा बोलो कृष्ण बुला रहे हैं, तो नहीं आए। बोला ठीक है बोलो राम बुला रहे हैं, तो तुरंत भागे आए। तो राम जी का स्वरूप दिखाया उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के अंदर समस्त अवतार हैं। अब ब्रज में जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो अपने समस्त परिकरों के साथ चार रस का आस्वादन करते हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये चार रस का आस्वादन करते हैं, है ना। चारी भावेर भक्त जतो कृष्ण तारवश दास सखा माता पिता प्रेसी लैया ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट होइया। ठीक, ब्रज में तो वैसे तो उन्होंने असुरों का भी संहार किया, हाँ किया, लेकिन वर्णन आता है, हमारे महाजन कहते हैं कि कृष्ण क्रीड़ा के अलावा कुछ नहीं जानते, कृष्ण मात्र
रसिक हैं और रस हैं, उन्हें मारना वारना नहीं आता, तो कौन करता है उनके अंदर बैठ के मारने का काम? तो बताया विष्णु तत्व। विष्णु ही समस्त असुरों को मारते हैं, क्योंकि सब अवतार उनके अंदर है ना, जब जिसका प्रयोजन वही अवतार प्रकट होकर के वो कार्य कर देता है। साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण असुरों का निधन नहीं करते, वो क्या करते हैं, ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट होइया, दास सखा माता पिता प्रेयसी गण लैया, इनके साथ वो विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। इसीलिए वो लीला पुरुषोत्तम विग्रह हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम। नर वपु तहार स्वरूप, महाप्रभु ने बताया कि नर वपु हैं वो, नर वत लीला करते हैं, नर लीला नहीं करते, ना वो नर हैं, नर वत दिखते हैं पर नर है नहीं, सच्चित आनंद विग्रह हैं। ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। और उसके बाद क्या किया, जथेष्ट विहरी कृष्ण करे अंतर ध्यान, खूब विहार किया और अब अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होते समय कृष्ण क्या सोच रहे थे, कौन बता रहा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बता रहे हैं, महाप्रभु के अंतरंग परिकर बता रहे हैं, क्या सोच रहे थे, अंतर ध्यान कोरी मने कोरे अनुमान, चिरकाल नहीं कोरी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगते नाही अवस्थान, सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते ब्रज भाव पाइते नाही शक्ति। देखिए कितनी सुंदर बात बोली, कह गए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में, मेरा भजन करो, मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है ना, मैं उसको एक सेकंड भी नहीं लगाता, भवामी ना चिरात पार्थ मैं आवेशित चेत साम, उद्धार कर देता हूँ मृत्युपथ से, कहा है श्रीमद् भगवद्गीता में। मन मना बहु मत भक्तो, बहुत गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल संदेश भी दिया अर्जुन को कि अर्जुन इतनी सारी बातें मैंने बता दी तुमको, ज्ञान योग कर्म योग सब बता दी, पर मैं तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ बता रहा हूँ, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बस ये चार चीज़ें कर लो तो तुम मेरे हो जाओगे, तो तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास आओगे तो वापस आना नहीं होगा। ठीक, कर लिया, लेकिन तो भी कैसे मन लगाऊं, मन लगाने की क्यों मन लगाऊं, मन लगाने की विधि क्या है, कैसे लगता है मन, भक्ति करके लगता है, भक्ति क्या है, अब भक्ति क्या है ये नहीं बता पाए भगवान कृष्ण, नहीं भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, शुरुआत कहां से होती है, अंत कहां पर होता है, कैसे करनी होती है, ये सब नहीं, ये सब नहीं बताया भगवद गीता में। और जो कुछ बताया वो सब विधि भक्ति की बात बता दे गए। तो महा तो कृष्ण सोच रहे हैं कि मैंने काफी समय से प्रेम भक्ति दान ही नहीं किया और बिना प्रेम के मुझे पाया नहीं जा सकता। भगवान ने बोला यद्यपि अमार माधुर्य नित्य नव नव होए, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादय, कि मेरी जो मधुरता है प्रत्येक क्षण नई नई होती है, लेकिन जिसका जितना प्रेम उसका उतना आस्वादन, स्व स्व प्रेम अनुरूप। तो प्रेम ही प्रयोजन तत्व है, प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, ये तो पता ही नहीं था किसी को कि प्रेम ही पुरुषार्थ है। अब प्रेम तक जाया कैसे जाए, की कैसे जाती है, और फिर क्या बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो सकती, कोई अपराध कोई अंतराय जिनसे हमें सतर्क रहना है, वो कहां से पता चलेगा। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा ये भक्ति के बिना जगत टिक नहीं सकेगा, और सभी जो जितने भी भक्त हैं जगत में सब मेरी वैधी भक्ति करते हैं। सुबह उठ गए, मंगल आरती कर ली, घंटा बजा दिया, फूल तुलसी चंदन सब दे दिया, प्रणाम कर लिया, कुछ माला कर ली, आज का काम संपूर्ण। तो भगवान कह रहे ऐसे मुझे नहीं पा सकता, कौन कह रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र नंदन को नहीं पा सकते मगर श्री नारायण को पा सकते हैं, ऐसे ही पाया जाएगा। सारूप्य सायुज्य सामिप्य साष्टी, ये समस्त जो मुक्तियां हैं ये सब प्राप्त हो सकती हैं ऐसे वैधि भक्ति से, लेकिन वैधि भक्ति से
कृष्ण प्रेम नहीं पाया जा सकता। कौन सा कृष्ण प्रेम? ब्रज प्रेम नहीं पाया जा सकता। जिसके वशीभूत कृष्ण हैं, जो हमारे अंदर ये भाव जागृत कर दे कि मोर पति मोर सखा मोर प्राण बंधु, ये प्राप्त हो ही नहीं सकता है वैदिक भक्ति से। ये मैं कह रही हूं क्या? नहीं, आगे अभी बोल रहे हैं। वैदिक भक्ते ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वैदिक भक्ति से ब्रज भाव को पाने की शक्ति किसी में उत्पन्न नहीं हो सकती। राग भक्ति को करने से रागात्मिका जो भाव के परिकर हैं, रागात्मिका भाव क्या हुआ? श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन के जो नित्य पार्षद हैं, राधा रानी सखियां और जो मंजरियां हैं, या श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हो गए उनके पिताजी नंद जी, यशोदा जी वात्सल्य भाव वालों के लिए, और उनके जो परिकर हैं, बहुत सारे परिकर हैं, नंद हैं, सुनंद हैं, उपनंद हैं, बहुत सारे चाचा ताऊ बहुत सारे हैं कृष्ण जी के, वो सब और उनके भी बच्चे, और उन सब का जो भाव है भगवान के लिए, या सखा भाव में कृष्ण के अनेक अनेक सखा हैं, श्रीदाम हैं, सुबल हैं, मधुमंगल हैं, स्तोक कृष्ण हैं, अनेक अनेक सखा हैं, उनका किसी एक का भाव और उसका अनुगत्य। तो रागात्मिक परिकरों के भावों का अनुगत्य करके और उसी मार्ग में जाकर दीक्षा लेके, दीक्षा मंत्र उसी भाव का लेकर के और उनके अनुगत्य, उनके भाव का अनुगत्य करके जो भजन करता है उसे कहते हैं राग भक्ति। और राग भक्ति वही करता है जिसके अंदर प्रचुर लोभ हो, लोभ, वरना सब वैदिक भक्ति करेंगे। लोभ जिसके अंदर है उस भाव के प्राप्ति की, जिसके अंदर लोभ है श्री राधा रानी के नित्य दास्यम को प्राप्त करने की, वो करेगा भक्ति। वो शास्त्र नियम वगैरह कुछ समझेगा नहीं, वो बस भजन ही करता जाएगा, उसी तरीके से लुप्त हो जाएगा, उसे और कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर सामने रसगुल्ला पड़ा है और किसी को रसगुल्ला खाना ही है हर कीमत पर, तो वो ये नहीं देखेगा उसकी कीमत क्या है, कैसे लूं, कमाऊं कि नहीं कमाऊं, उसे रसगुल्ला खाना है तो बस उसे खाना है। तो क्या हुआ यहां? प्रचुर लोभ। और मजे की बात है, कह रहे हैं महाप्रभु, माने ब्रजेंद्र नंदन कह रहे हैं, क्या वैदिक भक्ति ब्रज भाव पाइते नाही शक्ति, कि वैदिक भक्ति से ब्रज भाव को पाने की किसी में भी शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जितने भी कर लो हम, पर विधि भक्ति जरूरी है राग भक्ति को पाने के लिए। हमारा जो मार्ग है वो है वैदिक भक्ति सम्मिश्रित राग भक्ति। हम लोग उठेंगे भी, तिलक सेवा भी करेंगे, श्याम सुंदर राधा रानी को उठाएंगे भी, और उठा के अर्चन भी करेंगे, तुलसी चंदन भी देंगे, स्मरण भी करेंगे, अष्टयाम लीला स्मरण करेंगे अपने सिद्ध स्वरूप में। क्योंकि साधने भावी बे जहा सिद्ध दे पाई बेतहा राग मार्गर ए से उपाय, है ना? राग मार्ग क्या है? चिंतन ही राग मार्ग है, अनुकूल भाव से चिंतन। श्री गुरु और गौरांग के अनुगत्य में, उनके परिकरों के अनुगत्य का चिंतन। तो यहां महाप्रभु ने, यहां ब्रजेंद्र नंदन ने बोला, वैदिक भक्ति ते ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित। मगर है क्या? सारा जगत ऐश्वर्य ज्ञान में मिश्रित है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। क्यों स्वामी? क्योंकि तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कण कण में हो, ये सब तत्वतः सत्य है, लेकिन दिमाग इसके आगे नहीं जाता, मेरापन नहीं आता। मेरापन के ही वशीभूत हैं भगवान, ये मेरापन नहीं आता। मेरापन आता है ब्रज भाव भजन में, है ना? तो क्या कह रहे हैं? ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। ऐश्वर्य से जो प्रेम शिथिल है, ऐश्वर्य के कारण प्रेम में दम ही नहीं आया, तो उससे मेरी प्रीति नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, राधा रानी मान करती हैं और श्याम सुंदर उनके चरण पकड़ लेते हैं, तो राधा रानी चरण नहीं हटाती, वो चरण सेवा करते हैं और कहते हैं देही
पाद पल्लव उदारम, मुझे अपने चरण कमल दो, स्मर गरल खंडनम, मैं अपने स्मर गरल को का खंडन करूं, मेरे अपने चरण सिर पर धर दो। तो मान रस इतना सुंदर आस्वादन करते हैं रसिक शेखर श्री कृष्ण श्रीमती जी का कि दुर्जय मान तक हो जाता है। एक दिन बीत जाता है, दो दिन बीत जाता है, कई दिन बीत जाते हैं, मान टूट ही नहीं रहा है, भंग ही नहीं हो रहा है, और श्याम सुंदर चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं और रूप मंजरी और समस्त मंजरियों के पैर पड़ रहे हैं। सोचिए, दासियों के चरण पड़ रहे हैं, ये चीज दे दी महाप्रभु ने। वो तीन लोगों का स्वामी राधा दासियों के चरणों में पड़ता है कि तुम मनाओ जाके, तुम हमारी बात कराओ। क्या दे दिया श्रीमन महाप्रभु ने, अनर्पित चरी अवदान करुण है अवतीर्ण है। तो कह रहे हैं कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। अब उधर ही रुक्मणी जी का मान आस्वादन करने की इच्छा हुई श्याम सुंदर को, तो श्याम सुंदर ने रुक्मणी जी को बोला कि ऐसा है प्रिय, वो क्या है, तुमने ब्राह्मण के हाथों में चिट्ठी लिख दी थी कि मुझको छुड़ा लो, देखो मैं तो ग्वाला ठहरा है ना, माता पिता का भी कुछ पता नहीं, कोई कहता है देवकी जी माता पिता हैं, कोई कहता है जसोदा जी हैं, तो वो भी बेकार हो गया मामला, खानदान का कुछ पता नहीं, और मैं तो प्रॉपरली राजा भी नहीं हूँ, और तुम्हें तो जो ब्याहने के लिए आए थे, तुम्हें तो वहीं जाना चाहिए शिशुपाल, वहीं जाओ, और अगर वहाँ नहीं जा सको तो पिता के पास चले जाओ, वो तुम्हारा ब्याह किसी अच्छे राजकुमार से करा देंगे, ताकि जो है तुम सदा सुखी रहो। मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करने के लिए ले आया, तुमने चिट्ठी लिख दी तो मुझे आना पड़ा। अब ये सोच के, ये वचन सुन करके कृष्ण ने सोचा कि रुक्मणी जी रूठ जाएंगी, रूठ के बैठ जाएंगी। मान रस का आस्वादन करने की बड़ी ही इच्छा छटपटा रही थी, छटपटाहट थी, क्योंकि वृंदावन में तो यही कर रहे थे, अब मथुरा में भी कुछ करूं। तो रुक्मणी जी बेहोश हो गई। तो कहां वो सोच रहे थे कि मान रस का आस्वादन करेंगे, कहां जान के लाले पड़ गए, पंखा करने लगे, उठो उठो, मैं तो मजाक कर रहा था, उठो 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 उठो, सर पे हाथ मारा कि मैं भी किससे कह रहा हूं कि मान रस का आस्वादन कराओ, ये कोई राधा रानी तो है नहीं, तो राधा तत्व तो अलग ही तत्व है ना, समस्त कांताएं राधा रानी से प्रकटित हैं, कृष्ण की समस्त कांताएं, ये नहीं है कृष्ण ने वहां 16108 ब्याह किया, वहां 33 करोड़ गोपियां थी, समस्त कांताएं कृष्ण शक्ति आह्लादिनी शक्ति राधा रानी से कृष्ण सेवा और उनको रसास्वादन करने के लिए प्रकट हैं, क्योंकि कृष्ण है रसो वैसह रसिक शेखर, भगवान ही रस है, भगवान ही आस्वाद्य है और भगवान ही आस्वादक है, ये बहुत ध्यान से समझो। हम हमेशा ये कहते हैं कि जैसे कोई सांप पकड़ने जाता है तो वो इस तो सपेरे एक मंत्र से अपने आप को लपेट लेते हैं कि वो सांप दंशन ना करे, खूब मंत्र से अपने को लपेट लेते हैं, ऐसे ही जब भगवान कृष्ण की लीलाएं सुननी चाहिए तो हमेशा इस बात से खुद को लपेट लो कि लीला जिसकी हो रही है वो भगवान है भाई, जिसकी चर्चा हो रही है भगवान की है, वो रस आस्वादन कर रहा है, वहां मान रस आस्वादन किया, यहां मान रस मिल नहीं रहा है तो दिखा रहा है, यहां भी दिखा रहे, देखो राधा रानी की सर्वोच्चता, कितना उच्च प्रेम है। खैर, इस ये तो चर्चा ऐसी जारी रहेगी, मैंने एग्जाम्पल दिया कि ऐश्वर्य वाला जो शिथिल प्रेम है ना कृष्ण, उसके वश में नहीं है, बोले ना ही मोर प्रीत, और बोला नहीं प्रिया जब करे मान भर्सन वेद स्तुति होते हरे मोर मन, प्रिया जब राधा रानी जब मान करती हैं और जब ताड़ना देती हैं, प्रताड़नाएं देती हैं, भर्सना करती हैं कि निकल जाओ यहां से, है ना, मुंह नहीं देखती हैं, तो कहते हैं वेद स्तुति हईते हरे मोर मन, वेद बैठ करके स्तुति कर रहे हैं, मुनि स्तुति कर रहे हैं, हम सब स्तुति कर रहे हैं, घंटे बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं यहां तो खेलने का कोई व्यक्ति ही नहीं है, किसके साथ खेल करूं, हरे मोर मन, तो वहां मन का हरण हो रहा है, जहां मदीयता है वहीं पर अधिकार है, तुम मेरे हो तो मेरा अधिकार है तुम पर, मैं तुमसे गुस्सा हो सकती हूं और होंगी, क्यों नहीं होंगी, समझ रहे, जितना कठोर मदीयता, इसीलिए कहा कि जो श्री प्रिया जी हैं उनका जो राग है वो मंजिष्ठा रंग का राग है, उनका जो स्नेह है वो मधु स्नेह है, चंद्रावली आदि का घृत स्नेह है,
मधु स्नेह में कुछ मिलाने की जरूरत नहीं होती, मधु ऐसे ही आस्वाद्य है, लेकिन घी को अगर मिलाओगे नहीं, घी ऐसे नहीं खा सकते। तो ये मधु स्नेह है, मंजिष्ठा राग युक्त, ये बड़ा डीप है। खैर ये विषय कहने का अर्थ यह है कि ऐश्वर्य ज्ञान ज्ञाने विधि भजन करिया। अब ये कहा जाए कि अच्छा हम अगर वैदिक भक्ति करते हैं ऐश्वर्य ज्ञान से, सुबह उठते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं और कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, तो क्या हमारा कुछ नहीं होगा? बोले ना होगा, क्यों नहीं होगा। तो ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। वैकुंठ जाएगा गोलोक वृंदावन धाम नहीं मिलेगा, क्योंकि गोलोक वृंदावन में तो ब्रज विहारी रहते हैं जो राग भक्ति के वश में हैं, और वहाँ राग भक्ति ही चलती है उन्हें पाने के लिए। तो क्या बोला, वैकुंठ में जाएंगे जितने लोग ऐश्वर्य भाव से कृष्ण भजन करते हैं, श्री राम भजन करते हैं, तो ये सब साकेत या वैकुंठ में जाएंगे। क्या मिलेगा इन्हें? सारष्टि भगवान की तरह का ऐश्वर्य। भगवान जितने ऐश्वर्यशाली है, जीवात्मा का भी उतना ऐश्वर्य हो जाएगा सारष्टि। और क्या मिलेगा? सारूप्य, भगवान का जैसा सुंदर रूप है ऐसा ही सुंदर रूप मुक्त जीवात्मा का हो जाएगा। सामिप्य, भगवान का सामिप्य प्राप्त होगा। और सालोक्य यानी भगवान का लोक, वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। हाँ, और क्या बोला, लेकिन जो भक्त है वो सायुज्य मुक्ति नहीं लेते। चार मुक्ति तो ले लेंगे, साष्टी ले लेंगे ठीक है चलेगा, सारूप्य भी ले लेंगे, सामिप्य तो बहुत जरूरी है, और सालोक्य भी ले लेंगे, लेकिन सायुज्य ना लोय भक्त जाते ब्रह्म ऐक्य। उस सायुज्य मुक्ति का भक्त तिरस्कार करते हैं जिसमें ब्रह्म और जीव को एक बता दिया, अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव का भक्त तिरस्कार करते हैं। महाप्रभु हमारे भगवान ने कहा कि कृष्ण की निंदा इससे बड़ी और कोई नहीं है कि कृष्ण के कलेवर को तुम माया का मानते हो, कि हमारे तो निर्गुण ब्रह्म थे, अब माया वाला कलेवर धारण कर लिया, अब लीला वीला कर ली, अब फिर से निर्गुण हो गए, फिर से निराकार हो गए। कह रहे इससे बड़ी निंदा कृष्ण की और कोई नहीं है। भागवतम में भी जिक्र आया, महाप्रभु ने भी बोला। तो बोला भक्त ये कहता है मुझे नर्क दे देना, मगर ये कैवल्य मुक्ति या सारूप्य मुक्ति मुझे कभी भी मत देना, मुझे सारूप्य मुक्ति नहीं चाहिए। ओ सॉरी, सारूपनी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, सायुज्य नहीं चाहिए मुझे, एक नहीं होना, मुझे ब्रह्म में घुस करके नहीं बैठना, मुझे ब्रह्म नहीं होना। मैं लड्डू खाऊंगा, मैं लड्डू बनना नहीं चाहता। एक बच्चा भी जानता है लड्डू खाने के लिए वो जिए रोएगा मचलेगा। हम उसे कहें अच्छा बच्चे हम तुमको ऐसा टेक्निक बना देते हैं, बता देते हैं कि तुम ही लड्डू बन जाओ, तो क्या बच्चा खुश होगा? अगर बच्चा बोले मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, और मैं कहूँ कितना मजा आएगा तुम ही चॉकलेट बन जाओ, तो वो डर जाएगा, नहीं मुझे चॉकलेट नहीं होना, मुझे चॉकलेट खाना है, उसका आस्वादन अलग है। बच्चा भी जानता है कि चॉकलेट खाना ही मज़ेदार चीज़ है, बनना नहीं। लेकिन अनेक लोग नहीं जानते हैं कि कृष्ण सेवा, राधा रानी की सेवा, महाप्रभु की सेवा में जो आस्वादन है, जो आनंद है, जो सेवा रस है, जो भक्ति का रस है, उसके आगे खुद वही बन जाना, उनका एक भाग बन जाना, वो तो बेकार है। उसमें तो जीव का स्वरूप समाप्त हो जाता है, सेवा और सेवक और सेव्य का स्वरूप समाप्त हो जाता है। तो जीव को आनंद नहीं आता, उसे कभी चैन नहीं मिलता, वो हमेशा बेचैन रहता है। ब्रह्मानंद को हमारे यहाँ उपनिषदों ने कहा कि ब्रह्मानंद भजनानंद के आगे अणु मात्र है। तो यहाँ का जो साधक है, जो राग मार्ग का साधक है, वैदिक भक्ति में भी आनंद है, लेकिन जो राग भक्ति का जो साधक है, जो लीला चिंतन में लगा हुआ है, सिद्ध देह एकादश भाव का गुरु जी से पहचान प्राप्त करके जो लीला चिंतन में लगा हुआ है, उसका आनंद इतना उच्च है कि उसके आगे ब्रह्मानंद अणु आनंद है, जिसके लिए इतने तपस्वी मुनि और इतने ज्ञान मार्ग और इतने लोग लगे रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शंकर जी या चार कुमार ये सारे के सारे क्यों जाते फिर सविशेष साकार भगवान की सेवा करने? सगुण सविशेष साकार भगवान की सेवा को क्यों मांगते हुए? आप पढ़िए श्रीमद् भागवतम को, क्या सुंदर वर्णन आया है कि जहाँ वो चारों कुमार कह रहे हैं कि प्रभु हमने आपके दोनों भक्तों को श्राप दे दिया गुस्से में, तो इसके लिए हमें नरक में भेज दो, आप हमें कहीं भी भेज दो, लेकिन हमारे कानों में आपकी कथा सदा जाती रहे। कथा के प्रति अगर किसी की रुचि हो गई
तो समझ लीजिएगा कि वो भजन पथ पर सही चल रहा है। अगर कथा के प्रति रुचि नहीं है, कृष्ण कथा के प्रति रुचि नहीं है, प्यास नहीं है, रुचि छोड़िए प्यास तृष्णा, तब तक इसका मतलब अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये लिटमस टेस्ट है हमारा, लिटमस टेस्ट। आगे क्या बोला, बोलते हैं जुग धर्म प्रवर्तामु नाम संकीर्तम। अब कह रहे हैं कि मैं क्यों आऊंगा, क्यों आऊंगा, मैं कह रहे हैं आऊंगा युग धर्म के प्रवर्तन के लिए, नाम संकीर्तन। आपको पता ही है श्रीमद् भागवतम में आया, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम रजित। दोषों का भयंकर निधि होते हुए भी कलयुग में एक सुंदर गुण है, अस्ति ही एको महान गुण, महान गुण। इस एक महान गुण के कारण लोग कलयुग की बड़े बड़े ऋषि मुनि उपासना करते हैं, कलयुग की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरा जन्म कलयुग में हो। वो नहीं कहते हमें सतयुग दे दो, सतयुग तपस्या का युग है। और कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से वो सब प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त होना चाहिए, करेक्ट, कृष्ण प्रेम, करेक्ट, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए, प्रेम। क्योंकि फिर से वही बात, हमेशा याद रखना इस श्लोक को, इस प्यार को, कि माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। अगर हमने श्री कृष्ण का माधुर्य का दर्शन कर लिया, चाहे स्वप्न में हो, चाहे स्फूर्ति में हो, ध्यान में हो, अगर माधुर्य पकड़ में आ गया तो व्यक्ति फिर साधारण नहीं रहता, बड़ा असाधारण हो जाता है। पर स्वस्व प्रेम अनुरूप भक्तास्वादय, भगवान ने कहा प्रत्येक क्षण मेरा माधुर्य नित नव नवायमान है, प्रत्येक क्षण। ये गोपियां क्यों कहती हैं, क्या है गोपियों को, क्या हो गया, ये कहती हैं गोपियां कि तुमने हे विधाता हमें दो आंखें क्यों दी और उस पर आपने निमेश आच्छादन दे दिया, पलकें दे दी, तो पलक भी झपकती है तो बहुत बड़ी बाधा है कृष्ण दर्शन के लिए। ये महाभाव की उक्ति है, ये महाभाव का लक्षण है कि अगर पलक भी झपकती है तो गोपियां विधाता को कोसती हैं, कि राधा रानी कहती हैं ललिता जी को कि तुम मुझे बताओ मछली ने कौन सी तपस्या की, जो तपस्या मछली ने की और उसको पलकों रहित आंखें मिली हैं वही तपस्या मैं करूंगी ताकि कृष्ण दर्शन कर सकूं। सोचिए, तो ये इतना ये अचिंत्य भाव है। ये तो एक लाइन में हमने बोल दिया, आई गई हो गई बात, इसी लाइन को पकड़ करके बैठ जाइए तो पता नहीं कहां पहुंच जाए, इसी एक पंक्ति को पकड़ के बैठ जाइए, क्या ये क्या चीज है जो राधा रानी से ये बात बुलवा गई, राधा तत्व ही क्या है ये, खैर बहुत मुश्किल है समझना। तो क्या बोला, युग धर्म प्रवर्तन करूंगा नाम संकीर्तन से, हरे कृष्ण महामंत्र नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र ऑलरेडी है शास्त्रों में, ऑलरेडी है कलिसंत्रण उपनिषद में है, तो तुम क्या प्रवर्तन करोगे, क्या खास हो जाएगा, खास हो जाएगा जब ये महामंत्र रसराज और महाभाव के एकीकृत रूप द्वारा निकलेगा, तो ये महामंत्र राधा कृष्ण के भाव, उनके मिलन भाव से युक्त हो जाएगा। ये राधा कृष्ण महामंत्र ब्रजेंद्र नंदन जो कि राधा रानी का महाभाव लेकर के आ रहे हैं उनके मुख से निकलेगा, तो ये हमारे हृदय को राधा दासम के लिए तैयार कर देगा। इसीलिए यही इसीलिए आना पड़ा, क्या करुणा है, करुणाय व तीर्णो, श्री राम जी भी आए, नृसिंह जी भी आए, सब कोई आए, लेकिन ऐसी करुणा किसी में नहीं है जैसे कि गौर सुंदर में है। क्या उन्हें पता नहीं हम कलिहत जीव कामनाओं वासनाओं के मारे हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सरित पल पल काटते हैं सताते हैं, क्या उन्हें नहीं मारा पता नहीं, क्या उन्हें तो पता है ना,
ये सब हमारे अंदर है, फिर भी कहते हैं कि राधा रानी का दासी बनाएंगे, निकुंज सेवा देंगे और महाराज में एंट्री कराएंगे, क्योंकि राधा रानी के सामान को ढो के ले कौन जाएगा, उनका श्रृंगार कौन ढो के ले जाएगा, उनकी सेवा कौन करेगा, जब नाचते नाचते थक जाएंगी तुम करोगी, तो इसी बहाने से तुम्हें अंदर एंट्री करा दूंगा। शंकर जी को आउट कर दिया गया, तुम एंट्री कर दो, हो जाएगी। नमो महावदान्याय, ये है महावदान्याय। तो बहुत गहन चीज है ये, और प्रकट की गई चीज नहीं है ये, ना कोई जानता ना कोई बोलता, मगर बिना बोले किसी को पता नहीं चलेगा, भटकता रह जाएगा व्यक्ति, मार्ग ही नहीं चुन पाएगा। तो बोल रहे हैं कि चारी भाव भक्ति दिया नचामु भुवन, ये जो चार भाव की भक्ति मैं सबको दे करके त्रिभुवन को नचाऊंगा, आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति शिखामु सवारे, कि मैं भक्ति भाव को अंगीकार करूंगा, मैं भक्त बनूंगा। जब तक भक्त बन करके मैं अगर भक्ति नहीं दिखाऊंगा कैसे की जाती है, मैं हरि नाम नहीं करूंगा, मैं संख्या पूर्वक हरि नाम नहीं करूंगा, मैं संकीर्तन नहीं करूंगा, मैं भगवान के आगे नृत्य नहीं करूंगा, मैं विग्रह पूजन नहीं करूंगा, जब मैं श्री विग्रह को ये नहीं कहूंगा कि विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तब तक तो लोग कहेंगे तो मूर्ति है जी, या लोग ऐसे भी कहेंगे भगवान गिरधारी को देख के, गिरिराज जी को देख के, गोवर्धन जी को देख के, अरे भैया ये तो क्या है, तो पत्थर की शिला है भाई। शालिग्राम जी को शालिग्राम ने मान करके कहेंगे तो गंडक नदी में मिलते हैं, बहुत सारे मेरे पास भी हैं, पेपर वेट बना देंगे, कौन जानेगा कि वो शालिग्राम है जिससे राधा रमण प्रकट हो गए भक्त के आंसू देख के, क्या बात है, कौन जानेगा। तो इसीलिए महाप्रभु ही तो विग्रह आराधन करेंगे, इसीलिए तो हमारे यहाँ गुरु स्तुति में आया कि विग्रह आराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, कि मेरे गुरुदेव नई नई प्रकार से श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि महाप्रभु ने कहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उन्होंने खुद गिरिराज जी की शिला दी कि लो ये विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। अचिराते पाईबे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन, इनकी सात्विक पूजा करो तुरंत कृष्ण प्रेम धन मिल जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे आपनी आचरी भक्ति शिखामु सवारे, मैं करूंगा और तुम भक्ति सीखोगे। खुद किया, गाया, संकीर्तन किया, आज जगह जगह संकीर्तन होता है महामंत्र का, और जो ब्रज भक्ति का जो गूढ़ तत्व है उसको प्रकाशित किया अपने आचार्यों के द्वारा, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इते राधा कृष्ण पाभो सेथा गौरचंद्र, यहाँ राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी और वहां गौरचंद्र की। तो महाप्रभु चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आत्मा एक ही आत्मा, एक जीवात्मा, एक साथ दो जगह जा सकती है, साइंस के सिद्धांत को बदल दिया। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ बदल देंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, एक बीज में इतना बड़ा वट वृक्ष हो सकता है, तो तुम एक जगह क्या 10 जगह में तुम्हें भेज दूंगा, करने वाला तो मैं हूं ना, कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए बोला आपने न कोयले धर्म शिखानो न जाए, ए तो सिद्धांत गीता भागवते गाए, क्या भागवत और गीता का सिद्धांत है कि अगर मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा तो फिर मैं सिखाऊंगा भी कैसे, तो मुझे सिखाना होगा। तो बहुत सुंदर बात है कि हाँ भगवान ने आचरण किया, भक्ति क्या है और भक्ति ही तत्व भक्ति रस में कैसे परिणित होता है, क्या क्या सामग्रियाँ मिलती हैं, कैसे कैसे भक्ति करना चाहिए, समस्त गोस्वामी पाद हमारे क्या बताऊँ शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए मेरे पास, वो क्या हैं। तो ये तो वही बोल मतलब उनको अगर गोस्वामियों में श्रद्धा हो गई, श्री रूप सनातन आदि जो समस्त अष्ट गोस्वामियों के कार्यों में, उनके भजन में अगर श्रद्धा हो गई तो भक्ति पथ से आप कभी नहीं डगमगा सकते। अगर वहाँ की श्रद्धा नहीं हुई, वहाँ की श्रद्धा बड़ी कमज़ोर है, वहाँ के अवदान को नहीं जाना, उसे नहीं पढ़ा, उसे नहीं समझा, उसे नहीं समझने की कोशिश की, तो कोई भी आपको चट से यहाँ और कोई भी वहाँ चट से वहाँ कर देगा, हवा की तरह उड़ते जाओगे, हम बेपैंदे के लोटे यहाँ वहाँ लुढ़कते जाएंगे। तो कड़ा अगर रहना है तो सिद्धांत को जानना होगा, आचार्यों को समझना होगा,
महाप्रभु को समझना होगा, गुरु तत्व को समझना होगा, ताकि जो है इस मार्ग में हम पूर्ण निष्ठा के साथ बढ़ें। और प्राप्ति तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है, और महावदा नए अवतार हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस जरूरत है उस मार्गदर्शन की, उस मार्गदर्शन पर चलने की, उस मार्ग पर चलने की जो दर्शाया गया है हमारे आचार्यों द्वारा, है ना। तो आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे हम, महाप्रभु के अवतार के बारे में चर्चा जारी रखेंगे हम। अभी फिलहाल जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे हरि हरि।